हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप SBI में नया अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट, तो आपके पास 10 से 15 दिन के अंदर एक ये वेलकम किट आपके स्पीड पोस्ट के द्वारा मिलता है, जिसमें डेबिट कार्ड होता है, आपका ATM होता है। तो इस ATM कार्ड को बिना ATM गए हुए कैसे एक्टिव करेंगे योनो SBI से अपने मोबाइल के द्वारा, तो सबसे पहले हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये इसमें हमें मिल जाती है एक ये जो बुक है, ये यहाँ पे एक पेपर मिलती है जिसमें आपका यहाँ पे एड्रेस वगैरह होता है ये, और एड्रेस वगैरह होने के बाद यहाँ पे आपकी ATM कार्ड मिल जाती है। तो यहाँ से हम इसे हटा लेते हैं और एक यहाँ पे इसकी ATM कार्ड की कवर मिल जाती है और एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बुक मिल जाती है। ग्लोबल है, कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है, यूज़ गाइड दिया हुआ है, वीज़ा रुपये दिया हुआ है। तो अब चलिए हम इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चले जाना है अपने मोबाइल के योनो SBI ऐप में। तो योनो SBI ऐप में जैसे हम जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी योनो SBI ऐप है, तो इसको हम जैसे ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमारा जो MPIN है वो MPIN यहाँ पे इंटर करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे MPIN इंटर कर आपको हम बताते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो MPIN है वो यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमने MPIN को अपना इंटर कर लिया, तो हमें मैसेज आ गया, डियर कस्टमर योर हैव इंटर। इसके बाद हमने कुछ शायद गलत, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी योनो SBI ऐप जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि नीचे आप देख रहे हैं सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पे, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे व्यू मोड पे क्लिक करना है। जैसे हम व्यू मोड पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है लोन है, अकाउंट्स है, डेबिट कार्ड, ATM डेबिट कार्ड, तो हमें ATM डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए हम ये पासवर्ड इंटर कर लेते हैं, और जैसे हम ये पासवर्ड इंटर करते हैं इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें चार चीज़ें दिखाई देती हैं, ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड, रिक्वेस्ट और एक्टिव कार्ड। तो हमें तो एक्टिव करना है, तो एक्टिव पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट, तो हम यहाँ से अपने अकाउंट नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है इंटर कार्ड नंबर, तो हम यहाँ पे कार्ड नंबर को इंटर कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमने यहाँ पे कार्ड नंबर इंटर किया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें कुछ वेरिफिकेशन करता है, और यहाँ पे हमें बोल रहा है आप अपना OTP इंटर करें। तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारे OTP आ चुका है 6 डिजिट का, तो हम उसे यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वो OTP इंटर कर लिया, और इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कॉन्जुलेशन योर कार्ड हैज़ बीन एक्टिव, तो हमारी ये जो कार्ड है ये कार्ड एक्टिव हो चुकी है। तो यही प्रोसेस है कार्ड को एक्टिव करने की। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।